चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए क्या हुए हैं, इसमें बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का कुछ क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी है कि आगे नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला भी हो सकता है। तो इसमें डिस्कस करेंगे सीमेंट के बारे में। अरे, आपका पार्ट वन है, पार्ट टू जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो देखने को कब मिलेगा, जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तब। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो सो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले वीडियो में ब्रिक का भी डिस्कशन किए हुए हैं और स्टोन का भी डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम लिंक नीचे भी दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सेम कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच एक्ट एज ग्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अच्छा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्या हो, जिप्सन इज नॉट एडेड, सही है। दूसरा है, हैज़ वन डे स्ट्रेंथ सेम एज द डेट ऑफ थ्री डेज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी सही है। और सी है, इज सब्जेक्टेड टू लार्ज श्रिंकेज एंड क्रैक, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ये हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनर द सीमेंट मोर इज द, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ए बब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर मैग्नीशिया इन सीमेंट शुड बी लेस देन, तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। फोर नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, और हाँ, क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन और आंसर दोनों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर इतना क्वेश्चन हमसे बना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हो सके कि मेरा सीमेंट अच्छा है। तो चलते हैं इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है 4%, कितना हो जाएगा 4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिमिट स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर फाइननेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड है तो फाइन और ओपीसी के लिए फाइननेस कितना स्पेसिफाइड किया गया, तो आपका किया हुआ है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2250। तो ये देखिए, ये आपका एग्जाम पूछा गया है केपीएससी जेई के एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड विच कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन किस, कौन सा जो बोगस कंपाउंड है वो ज़्यादा निकालता है, तो इसमें है सी थ्री ए में बहुत ज़्यादा निकलता है, लगभग 320 कैलोरी पर ग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है एग्ज़ाम में कि सी थ्री एस का केमिकल नाम क्या होगा, तो केमिकल नाम हो जाएगा 3CaSiO2, ठीक है, इसका केमिकल नाम। और टेक्निकल नाम होता है एलाइट। इसका फंक्शन क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है, और हीट हाइड्रेशन कितना होता है, 120 कैलोरी पर ग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है, सी टू एस का क्या है। पहले देखिए, पहले बोगस कंपाउंड कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है C3S, दूसरा C2S, तीसरा C3S, C3A और चौथा C4AF, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कॉपी में या याद कर सकते हैं। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका टेक्निकल नाम क्या होगा, बोल देगा C2S का टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा क्या हो जाएगा, बेलाइट। इसको याद करने से अच्छा है, एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, ठीक। तो चलते हैं इसका फंक्शन क्या होगा, सी थ्री एस का फंक्शन क्या होता है, वो अर्ली स्ट्रेंथ देता है, तुरंत स्ट्रेंथ देता है C3S। और C2S होता है वो लेटरल स्ट्रेंथ देता है, और सी थ्री जो ए होता है वो सेटिंग टाइम में मदद करता है, उसका फंक्शन सेटिंग टाइम के लिए। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन देखो, इसका पूछा हुआ था कि कुछ हाइएस्ट किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए सी थ्री का हाइएस्ट कितना होता है, 320 कैलोरी पर ग्राम। फिर उसके बाद सेकंड में होता है 120 कैलोरी पर ग्राम। थर्ड में होता है C4AF का 100 कैलोरी पर ग्राम।
एंड सी टू एस का सबसे कम होता है वो 60 कैलोरी पर ग्राम। और देखिए इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में पूछा था फॉर्मेशन सीक्वेंस, तो आपका सबसे पहले बनता है जो सी थ्री ए बनता है, उसके बाद सी टू सी फोर ए एफ, और थ्री नंबर पे बनता है सी थ्री एस, फोर नंबर पे सी टू एस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा, एग्जाम में पूछ जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे पहले बनेगा सी थ्री ए, उसके बाद सी थ्री एस, सी फोर एफ और सी टू एस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन सबसे पहले कौन बनता है, सी थ्री ए का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है सी फोर एफ का, उसके बाद फिन सी थ्री एस, उसके बाद सी टू एस का सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, चलिए अपना क्वेश्चन पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी थ्री एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए स्लो सेटिंग स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डाई कैल्शियम सिलिकेट, अभी बताए थे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्स्ट्रा रिपीट हार्डनिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इज, तो इसका ऑप्शन देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, तीसरा एल्युमिनियम सिलिकेट, चौथा कैल्शियम क्लोराइड, ट्वेंटी जिप्सम, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ सी ए ओ इन ओ बी सी इज, तो आपका सही आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 62 67%, कितना होता है 62 67%। ठीक है, और इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए रिटार्डर ओ पी सी, रिटार्डर के रूप में किसका यूज करते हैं, तो चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर किसको यूज करते हैं रिटार्डर के रूप में, तो चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सी एस ओ फोर टू एच टू ओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट कंटेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेट रेसिस्टेंस सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, हाई सिलिकेट कंटेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई सिलिकेट कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट डिपेंड अपॉन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट पेस्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन है जेल स्पेस रेशियो, दूसरा ऑप्शन है वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट, तीसरा ऑप्शन है एज ऑफ द हाइड्रेटिंग सीमेंट पेस्ट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट वेटिंग 50 kg ईच, वॉल्यूम जब निकालते हैं एक बैग सीमेंट का तो उसका कितना लेते हैं, तो यहाँ पे आपका सही है 0.034। ठीक है, और एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पंजाब जेई 2014 में और एमपीएससी 2012 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोर्टलैंड सीमेंट द कंपाउंड फर्स्ट टू सेट आफ्टर एडिंग वाटर इज, जो बताए अभी तुरंत इस पे बताए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी थ्री ए। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट साइज, सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब, क्यूब का साइज कितना होता है, कितना लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब टेस्ट करते हैं, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है 7.06 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई एस इज रेसिड्यू जनरेटेड फ्रॉम, बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई एस को जनरेट किया जाता है। ठीक है, वहाँ से लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रेट्स विथ आई एस कोडल ऑफ, देखिए LMRC जेई में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था LMRC जेई में, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी है काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सीमेंट का, तो चलते हैं इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है आई एस
1843 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन एन एवरेज हाउ मच परसेंटेज वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिड्यूस फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया है DMRC में पूछा गया है, और 2020 में भी क्वेश्चन DMRC होने वाला है, तो वहाँ से भी हो सकता है कि क्वेश्चन उठा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 23%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग कंपाउंड हेल्प इन अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हुए थे, जो टेबल लिखे थे वहाँ से आप देख सकते थे कि अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट का कौन देता है, कौन हेल्प करता है अर्ली स्ट्रेंथ देने में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C3S सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर रिपेयर ऑफ रोड सीमेंट यूज्ड इज, चलिए रिपेयर करते हैं रोड सीमेंट, तो वहाँ कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक शो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। चलिए बताइए, शो डाउन केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन को शो करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर रिटार्डर होता है। क्या होता है, रिटार्डर होता है। और एसिलेटर क्या होता है, जब HOH का मान ग्रेटर हो जाता है, और रिटार्डर होता है जब डिक्रीज करता है उसका रेट HOH का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लीचेटेरियस स्प्लिट सिलेंडर। तो बताइए कितना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लीचेटेरियस का स्प्लिट सिलेंडर जो होता है उसका हाइट कितना होता है, तो वो होता है 0.03 मीटर होता है, जैसे कि हम लोग करते हैं 30 सेंटीमीटर, तो वो होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कलर सीमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ परसेंटेज ऑफ पिगमेंट। जो कलर सीमेंट जो बनाते हैं वो कितना परसेंट पिगमेंट को यूज करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, 5 to 10%। कितना हो जाएगा, 5 to 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैलेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द, बैलेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट जो यूज करते हैं वो क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो आपका डिटरमाइन करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, बैलेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ बोगस कंपाउंड विल कंट्रोल द केमिकल अट्रैक्ट। जो बोगस कंपाउंड है, ये 4-bogus compound होता है, इसमें कौन केमिकल अटैक को कंट्रोल करता है, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कंट्रोल करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, C2S। C2S होता है जो केमिकल कंट्रोल को, केमिकल अटैक को कंट्रोल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर है 600 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, ऐसे तो जानते होंगे 10 आवर होता है, उसका फाइनल सेटिंग टाइम से 600 मिनट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयर विथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट विथ वाटर, वो कैसा करता है, जल्दी करता है, चलिए ऑप्शन है, फास्टर करता है या स्लोअर करता है या टेक द सेम टाइम करता है या डर नॉट रिएक्ट एट ऑल, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या करता है, फास्टर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है यही के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर लाइम पोजलाना सीमेंट।
लाइम पोजाना सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो कितना होता है? 2 आवर। सही आंसर है 2 आवर। ये हम जानते थे कि आप लोग नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। टू आवर होता है लाइम पोजाना सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश? चलिए बताइए, जो फ्लाई ऐश का मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सिल्का भी होता है और फेरस ऑक्साइड भी होता है फ्लाई ऐश का मेन कंस्टिट्यूएंट। और सेम क्वेश्चन पूछा गया है एई के भी एग्जाम में। ठीक है, एक आप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बिकम्स अनसाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस रहता है सीमेंट में तो जो अनसाउंड हो जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, लाइम भी प्रोड्यूस होता है तो अनसाउंड होता है, मैग्नीशिया होता है तो भी अनसाउंड बिकम्स करता है, और सल्फर भी होता है तो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है केपीएससी एई और केपीएससी जेई के दोनों के एग्जाम में, एई और जेई दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, चलिए बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं वो कौन सा अपरेटस से यूज करके टेस्ट करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ली चटेरियस अपरेटस। कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? ली चटेरियस अपरेटस। आइए देखिए, ये लगभग 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया है, केपीएससी एई एग्जाम में और डीएमआरसी एग्जाम में, इसरो का भी एग्जाम में पूछा गया है और जेई का भी, और चंडीगढ़ जेई का भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, जो रैपिंग हार्डनिंग सीमेंट होता है वो अर्ली स्ट्रेंथ अटेंड करता है किसके कारण? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लार्ज पोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज, चलिए बताइए इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का ओपीसी में कितना प्रोपोर्शन होता है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 50 to 60%। कितना हो जाता है? 50 to 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच कंट्रीब्यूट द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 या 3 आवर्स, वो कौन सा कंपाउंड होता है जो 2 या 3 आवर्स के बाद स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा C2S। कितना हो जाएगा? C2S। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीचटेरियस अपरेटस आर यूज टू कैरी आउट, वो किसके लिए करते हैं लीचटेरियस अपरेटस? तो अभी बताए थे सेम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन उल्टा हुआ है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साउंडनेस टेस्ट करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, हो सके आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 ग्राम ऑफ वाटर इच कैन प्रोड्यूस 1875 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, चलिए बताइए इसका परसेंटेज ऑफ वाटर कितना ऐड करेंगे? तो इसका देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए इसको माइनस इतना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। और फिर परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए वेट ऑफ सीमेंट अपॉन वेट ऑफ वाटर कर देंगे, वेट ऑफ सीमेंट अपॉन वेट ऑफ वाटर करेंगे तो हो जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडिशन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउज, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग सेमेटर के सी है और अपनी ऑप्शन डी है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट वुड बी यूज फॉर लाइनिंग कैनाल। ठीक है, लाइनिंग कैनाल के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सल्फेट रेसिस्टेंस, थोड़ा मिटर गया है, तो देखिए यहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है, यहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, दो ही तो मिटा हुआ है। देखिए तो अगर इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जब लाइनिंग कैनाल करते हैं तो वहाँ कौन सा टाइप का सीमेंट यूज करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टर सीमेंट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इट ब्रिटल होता है, इट बार्प ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होता है, और वीकनेस व्हेन सैचुरेटेड ऑफ वाटर हो जाता है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीमेंट जनरली यूज्ड फॉर रोड पेमेंट। रोड पेमेंट के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? देखिए काफ़ी पीछे वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रोड पेमेंट में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो आपका है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि ज़्यादा देर तक जाम नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो कौन सा, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड, क्या यूज करते हैं जब सीमेंट के मैन्युफैक्चर होता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्ट्रेंथ इज ड्यू टू इट्स। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फाइनर ग्रेडिंग। फाइनर ग्रेडिंग जितना ही होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। और एक क्वेश्चन केपीएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मास कंक्रीट विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। चलिए बताए मास कंक्रीटिंग में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? तो वो सीमेंट करते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट करेंगे इसलिए क्योंकि उसमें क्रैकिंग नहीं आने देगा, आराम से सेटल करेगा, सेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकार्ट ऑपरेटर्स इज यूज टू मेजर। विकार्ट ऑपरेटर जो होता है वो किस, क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। यहाँ पर देखिए साउंडनेस टेस्ट करेंगे, लेसिटेरियस कंसिस्टेंसी हो गया, विकार्ट ऑपरेटर्स एंड फाइननेस हो गया बैलेंस ऑपरेटर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो टाइप ऑफ सीमेंट देखिए क्या है, मैच लिस्ट में टाइप ऑफ सीमेंट है और मैच टू है जो कंपाउंड इन सीमेंट क्लिंकर है। तो चलिए इसका आंसर, इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइएगा। नहीं दिखा सकते हैं एक बार में पूरा, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देख सकता है, सॉरी हाँ यहाँ से देख सकते हैं, और ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सीमेंट का पार्ट टू वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा, जो कि सीमेंट पार्ट टू का होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।